भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय महतारी ब्यूटी सोप। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने आज शिमला में प्रदेश के माननीय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्बाल एवं संगठन महामंत्री पवन राणा उपस्थित रहे। इस अवसर पर सबने अनेकों विषयों पर चर्चा की। साथ ही प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना द्वारा लिखी गई पुस्तक माय एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग कोविड-19 ए बिग सॉल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स का विमोचन किया गया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अविनाश राय खन्ना की पुस्तक की सराहना की और जिस प्रकार उन्होंने कोविड-19 संकट काल में कार्य किए उसके बारे में विस्तृत चर्चा भी की। राजभवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अविनाश राय खन्ना ने मिल्खा सिंह के देहांत को खिलाड़ी जगत के लिए बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा, देश ने एक अनमोल रत्न खोया है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा 3 दिन की बैठक का क्रम रूटीन था। इस समय की प्राथमिकता कोविड-19 के कार्य थे, इसलिए सेवा ही संगठन की समीक्षा हुई और सरकार और संगठन ने किस प्रकार से काम किया उसके बारे में मंथन हुआ। इन बैठकों में अच्छा मंथन हुआ और सभी से अच्छा संवाद भी हुआ, ये भाजपा का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है और जिला में भी मंत्री प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। इन 3 आने वाले उपचुनावों में हम अच्छी जीत दर्ज करेंगे। फतेहपुर पहले कांग्रेस के पास थी, उसे भी जीत कर हम अपनी झोली में डालेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड एवं निगमों ने अच्छा कार्य किया है। मुझे जानकर खुशी हुई कि गौशाला बोर्ड, मिल्क फेड, गुड़िया सक्षम बोर्ड ने बहुत ही बढ़िया कार्य किए हैं और उनको उन कार्यों को जनता के बीच ले जाना चाहिए। बैंक एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित बोर्डो ने भी उत्तम कार्य किए हैं। हिमाचल के मंत्रियों ने भी सकारात्मक कार्य किए हैं और अधिकतम विधायकों ने अपने कार्यों की सूची रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हमें दी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आयोग 3 उपचुनावों की घोषणा करता है, हम जीत के आधार पर प्रत्याशियों के नाम भी घोषणा करेंगे। जब पत्रकारों ने पंजाब को लेकर कुछ प्रश्न किए तो उन्होंने उत्तर दिया कि कांग्रेस झूठ पर झूठ बोलकर सत्ता में आती है। 17 लाख नौकरियां उन्होंने पंजाब में घोषित की कि हम दे चुके हैं, पर एक भी अखबार में इसका ज्ञापन नहीं छपा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 2 गरीब परिवारों को नौकरी दी है, उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह के पोते और एक मंत्री का बेटा है। कांग्रेस विधायकों एवं मंत्रियों की बेरोजगारी खत्म के लिए प्रतिबद्ध है। जनता पंजाब में त्राही त्राही कर रही है, पर बिना पैसे के वहाँ कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में सभी राज्यों में कांग्रेस एक बिखरा हुआ राजनीतिक दल है। वे कार्य से नहीं, बयान से नेता बनते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री की जब तुलना की जाए तो हिमाचल के मुख्यमंत्री एक सरपंच का फोन भी उठाते हैं, पर पंजाब के मुख्यमंत्री अपने मंत्री का फोन भी नहीं उठाते। ২০২২ के चुनाव के लिए सर, जब चेहरे की बात अगर करें तो मुख्यमंत्री, देखो आप इसकी चिंता मत करो, हम सरकार बनाएंगे, उसकी चिंता करो। साहब, आपके राज्य पंजाब की बात करें तो वहाँ पॉलिटिकल काफ़ी घमासान मचा हुआ कांग्रेस के बीच में, आप उसी राज्य से आते हैं, पूरे घटना देखो, हम बड़े शांत प्रदेश में बैठे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। अगर आप पंजाब की बात सुनना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, कांग्रेस का देश से लेकर प्रदेश तक, ये मैंने कई बार एक सेंटेंस में बात को रखा है कि दिशाविहीन, मुद्दाविहीन और डायरेक्शनलेस ये पार्टी बन चुकी है। देश में भी नेताओं का अभाव है और प्रदेश में भी, और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से पंजाब की सरकार में पंजाब के ही मंत्री, अब देखिए एक डेटा दिया वहाँ के मुख्यमंत्री के, 17 लाख नौकरियाँ दी हैं और एक भी अखबार आप मुझे बता दें कि किसी भी अखबार में कोई नौकरी की एडवर्टाइजमेंट निकली हो। झूठ पे झूठ बोलकर सरकार में, सत्ता में रहना ये कांग्रेसियों की आदत है। हाँ,
नौकरियां दी हैं उन्होंने दो नौकरियां एक बड़े गरीब परिवार को दी हैं, एक सरदार बेअंत सिंह के पोते को दी है जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और कल एक मंत्री जो रहे हैं पूर्व उनके बेटे को दी है, और तीसरे ने शायद रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं लेंगे। तो मंत्रियों को MLAs के उनको नौकरियां देने का प्रोसेस तो शुरू किया है। आप हैरान होंगे, मैं चाहूँगा कि आप द्वारा इन विषयों पर चर्चा हो कि हमने MLA और मंत्रियों की बेरोजगारी ख़त्म करनी है या जनता की करनी है। जनता त्राही त्राही वहाँ कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी है। क्या आप सब मतलब हैरान होंगे कि रात को अकेले चलना भी वहाँ पर दुर्लभ है। करप्शन का ये हाल है, कोई काम बिना पैसे दिए नहीं हो पाता। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ें नहीं है, मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। जब मैं यहाँ के मुख्यमंत्री की तुलना वहाँ के मुख्यमंत्री से करता हूँ कि एक मुख्यमंत्री जो सरपंच का फ़ोन भी सुनता है और एक मुख्यमंत्री जो अपने मिनिस्टर का फ़ोन भी नहीं सुनता, इतना डिफरेंस है। तो वहाँ के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कांग्रेस एक बिखरी हुई आज पार्टी बन चुकी है और उनका एक वर्चस्व की लड़ाई जो शुरू हुई है कि कौन बड़ा नेता है, वो काम से नहीं बयानों से नेता बनते हैं। तो वहाँ का एक अपना वो कल्चर उन्होंने बनाया। सर, यहाँ चर्चा महंगाई और पेट्रोल के एक कारण क्यों रहे, कोरोना के दौरान तेल की खपत जो है कम हुई है, उसके कारण प्रोडक्शन भी कम हुई। अब जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो सप्लाई जैसे बढ़ेगी तो दाम नीचे डेफिनेटली आएगी। मैं कहूँ नहीं बढ़े वो नहीं बढ़े, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसके लिए सरकार के मंत्रालय जो हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान भी आया था, ये ठीक करेंगे। सर, आने वाले चुनाव के लिए पंजाब में जो नया, मुझे गठबंधन के लिए चिंता करने की इसलिए बात नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम में गठबंधन होते रहते हैं। कौन गठबंधन किससे करता है जी, उनकी जब अपनी को सीट एडजस्टमेंट होती है तो करते हैं, इसमें हम भी उनके गठबंधन के साथी थे। तो मैं कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि गठबंधन की राजनीति अब देश भर में चल रही है, लेकिन उस गठबंधन का रिजल्ट क्या होगा, कैसे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये वहाँ सोचने वाली बात है। आपने देखा होगा कि BSP में बगावत के सुर जो हैं वो शुरू हो गए हैं। BSP को सिर्फ 20 सीटें वहाँ पर दी गई हैं और 20 में से भी 12 सीटें जो हैं वो जनरल सीटें दी गई हैं। क्योंकि एक समय था जब BSP ने अपने दल पे बलबूते पे 9 सीटें वहाँ पर जीती हुई हैं। तो क्या रिजल्ट नीचे रहेगा, कार्यकर्ता कैसे एक्सेप्ट करता है, ये आने वाला समय बताएगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए सोलन से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट। Oh,